के लिए। कुछ देर में हम जो अखड़ियाला पे आज 4, 5, 6, 8 GEU-20 जो नॉर्मली ग्रीन लाइन के साथ और रेल कार के साथ अटैच होता है, आज आपको कार्गो के साथ दिखाएंगे। मेन लाइन पे वापस आ गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस परली तरफ से नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे आपको पता है कि बुरा लगता है, सोसाइटीज जहाँ भी ज़मीन आबाद की जा सकती है वहाँ पर ये सोसाइटियाँ बना देते हैं मनुष्य। क्योंकि आज मैम साथ हैं इसलिए इंसानों की तरह चल रहे हैं और सिर्फ 8 मिनट का डिफरेंस है, वरना इस गाड़ी ने 110 से नीचे नहीं आना था। अल्लाह करे ये ग्रेवल उठा ली जाए, स्लीपर्स भी बड़े काम के हैं, पता नहीं कब निकालेंगे ये। ये इंतहाई खूबसूरत ज़मीन है, बेहतरीन मट्टी है फसल के लिए, इससे अच्छी और नायाब मट्टी नहीं है। मगर अफसोस, सद अफसोस कि लोगों को सिर्फ पैसा माने रखता है, सोसाइटियाँ बनाएंगे ये।
इस वक्त जिस जगह को हम क्रॉस कर रहे हैं इसे हम बब्बी फॉरेस्ट कहते हैं। ये बब्बी फॉरेस्ट रीजन है, एक बब्बी पेशावर के रास्ते में है और एक इस फॉरेस्ट का नाम है, तो कंफ्यूजन ना हो। सामने जीडी रोड है और ये रीजन मेरा सबसे फेवरेट है, इंतहाई सरसब्ज। जी लाला मूसा नॉर्थ केबल, प्लेटफॉर्म 1 1 1, स्टैंडिंग बाय फॉर CFI, जब तक गाड़ियों का सत्यानाश ना कर दें तब तक मेंटेनेंस भी नहीं करते। दीज आर कॉल्ड उल्लू का पठास। बिजनेस 11251 अगेन, पिंडी की कोच है, लाहौर जलील होती रही। सामने AC स्टैंडर्ड है 83-27-1 अगेन पिंडी, मगर जलील होती रही। आई एम हंग्री, I will take Lala Musa's famous pakoras and naans, use nose. I'll enjoy naan pakoda. और रोक दो ड्राइवर साहब, भूख लगी, रोक दो। विसल 1 क्लियर, रेडी फॉर डिपार्चर एंड नाउ लेट अस सी। ओके जी, सिग्नल राइट। कैमरा कितने डेढ़ का।
मैम उतर गई हैं जी डीटीओ। अब देखते हैं ड्राइवर साहब क्या चमत्कार करते हैं। पहले एज पर रूल, और अब आई होप सो कि टाइम जो 8-10 मिनट का फ़र्क है वो कवर हो। गो के हमेशा की तरह, जिस तरह मैं कहता हूँ मेरे सितारे मिलने तो है नहीं इसके साथ, बट लेट अस सी कि आज क्या करती है डाउन। फार साइड शेड लाइन है और देखते हैं आज कोई बड़ी पावर खड़ी हो, आई होप सो। उनको कि सीएफआई के लिए बर्बाद करके सीएफआई के पास भेजी जाने वाली कोचेस तो खड़ी हैं अपसाइड डाउन साइड दोनों यार्ड में। पता नहीं अब लाइन काट रहे हैं या सरिया काट रहे हैं ये। लाइन अनफॉर्चुनेटली वो डीपीयू ही नज़र आ रहा है जी आपको। फार साइड जो है लेफ्ट जो शंटिंग लाइन कहते हैं लोकोमोटिव की, वहाँ पर भी कोचेज नज़र आ रही हैं। सेंट्रल लाइन यार्ड में भी नज़र आ रही हैं और सामने भी नज़र आ रही हैं। ये वो कोचेज हैं ऐसी स्लीपर की जो पेशावर की थी अनफॉर्चुनेटली, और निकाल दी गई, बर्बाद कर दी गई। 8503 ये जाफ़र को दे दी गई बगैर है पेशावर बिजनेस। ये भी खैबर की है, ये जाफ़र और क्या नाम है इसका, वेरी सॉरी टू से जाफ़र कह रहा हूँ, सखर और कराची एक्सप्रेस। पीछे अगेन पेशावर की कोचेस खड़ी हैं, एक कराची, एक पिंडी, एक अगेन ग्रीन लाइन पुरानी जो ग्रीन लाइन और साथ ही आपके कराकरम को लगा करती थी। गाइस गुजरात पहुंच रहे हैं और आज गुजरात में हमारे छोटे भाई हैं जैन मिर्ज़ा, उनसे भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। गाइस रेडी फॉर डिपार्चर। वालेकुम अस्सलाम जैन भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आई थॉट कि आप गुजरा वाला आ रहे हैं। नहीं नहीं मैं गुजरात से। अच्छा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी पे फिर मुलाकात रहेगी। कब आ रहे हैं? मैं तकरीबन 10 से 12 दिनों में इंशाल्लाह जा रहे हैं अभी कराची। थैंक यू फॉर दिस लव, सो काइंड ऑफ यू। गाइस फाइनली पेडेस्ट्रियन जो है वो रेडी है, और डिज़ाइन इसलिए अच्छा कहूँगा। लाफेज बाय बाय, थैंक यू। डिज़ाइन इसलिए बेहतर है
कि बाइक का जो है वो बिल्कुल सेपरेट है और पेडेस्ट्रियन का सेपरेट है। फाइनली एंट्रिंग वजीराबाद जंक्शन। आई होप कि रहमान बाबा पहुंच जाए, लगता तो नहीं, आज 2 घंटे अप्रॉक्सीमेट लेट है। गाइस सामने ZCU-30 भी वर्किंग कर रहा है, जो सामने ऑयल कार्गो खड़ी है, आई थिंक MPT है, उसके साथ जाएगी। सामने 39 आप आ रही है इस वक्त ZCU-20 के साथ, एंड लेट अस सी कि कौन सी पावर है। गो के ग्रुप में बताया गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें याद ना रहती हैं ना रखने की ज़रूरत है, जो चीज़ सामने आ रही है खुद ही पता चल जाएगा। ZCU-20 1 Crystal 3 Sun खत्म है जी, स्लीपर के व्हील अगेन खत्म है, एसी स्टैंडर्ड के बिजनेस अगेन एसी स्टैंडर्ड के खत्म, इकॉनमी के खत्म, अगेन इकॉनमी का खत्म, आपको साउंड से ही अंदाजा होगा, अगेन ये भी खत्म, ये कदरे बेहतर बेहतर ये बेहतर है, कदरे बेहतर। जब पूछा तभी रेडी फॉर डिपार्चर हो गए। विसल हो चुका है, वायरलेस मौजूद है, मोटरोला जिसको कहते हैं ये लोग, शेड छोटा सा, एक वक्त में बड़ा मसरूफ, और अब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है और वो भी आपकी सियालकोट के लिए है, अलामा इकबाल एक्सप्रेस, जो वज़ीराबाद से सियालकोट बहसीत रेलकार या आप कह लें लोकल, और सियालकोट से कराची तक जो है वो बहसीत टेन डाउन जाती है। सामने ही मैं जिसका ज़िक्र किया था आपसे ZCU-30 का, तो ZCU-30 को इस वक्त 6326 आई बिलीव लीड कर रहा है, और ये सिर्फ वेट कर रहा है रहमान बाबा का कि 47 अब आए और उसके बाद ये यहाँ से जो है ना थ्रू पास हो, क्योंकि वाया फैसलाबाद जाएगी।
1927 में जी साउथ केबन 130 लीवर्स हैं इसके, 130 लीवर। दो अभी एक्टिव नहीं होंगे सारे, बट 130 था। और अफसोस इस बात का है कि रेल के अफसरों ने, इन अदर वर्ड्स बदबख्तों ने बर्बाद ही किया है। अल्लाह इनको पूछे इंशाल्लाह। कब्र बड़ी डाडी है इनकी, मौत पर हक है हर एक पर आनी है, जिन्होंने दुनिया के किसी भी शोबे में खैर कोताही की है जान पूछ कर, और मेरी ज़ुबान में कहें तो यानी कि यानी हरामजदगी की है। कब्र बहुत डाडी है, आखिरत किसने देखी। सामने लाइन जा रही है आपके वाया वज़ीराबाद, जो यहाँ से सांगला, फैसलाबाद और टोबा, गोजरा, शोरकोट, खानेवाल जाके मिलती है। यहाँ अब ट्रेन जो है वो आपको 108, 110 की स्पीड पे नजर आएगी। We are here. 1978 में वो केबिन बना था और अब खाक की कैफियत में है। सलाम। फाइनली एट शाहदरा। PLC रिंग मास्टर
ये सियाणी माँ का न्याणा बच्चा एकदम गाड़ी के आगे आया चबल। अंग्रेजों के वक्त की चौकी और आज के वक्त की चौकी 374 फुट अभी और बजे पीछे है। चाप ही रहा है और नहीं भी, यह है दरिया रावी जिसमें सिर्फ गटर का पानी रवान दमा है। अफसोस, सद अफसोस। क्रॉसिंग बादामी बाग, अगेन रिंग मास्टर। नाइट ड्यूटी, यहाँ रात को बाकायदा जिसे कहते हैं पहरेदारी की जाती है। अदरवाइज़ यहाँ के चर्ची मवाली नेक बखत अल्लाह उनको शिफा दे और इस मूजी मर्ज से जान छूटे उनकी, वो ये लाइनें सब कुछ जो है वो उखाड़ के ले जाएं। सामने यार्ड है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर इस वक्त गाड़ी मौजूद है जो डेफिनेटली आई होगी कराची से। ऑन दी अदर एंड कोई गाड़ी है उसको कैप्चर करते हैं। 64-10 के साथ आज तो बहुत बेहतर आई है। वाह, गरीब की सवारी में नया डब्बा मगर व्हील पुराने। पता था इधर ही खड़े होंगे सारे। ये जी मुबीन भाई, हमजा, असद, जादेव सारे इधर हैं आज। हाँ वही कह रहा हूँ।